Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video we are going to talk about anti-ragging certificate. ये क्या होता है, क्यों बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनवाए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. तो गाइज, आप लोगों ने क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब मैं देखती हूँ कि वीडियोस में आते तो व्यूज़ हैं 6000, 7000, 5000, जो मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ जो सबके लिए होती है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो गाइज, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, इतनी मेहनत लगती है, तो आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए. तो ये थी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी. अब आते हैं कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को लेके. पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी क्यों ज़रूरी है, नहीं बनवाया तो क्या हो सकता है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज, वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि एंटी रैगिंग एफिडेविट क्या होता है, क्यों बनाना है. तो सबसे पहले आता है कि क्यों बनाना है. जब मुझे भी बताया गया था कि एंटी रैगिंग एफिडेविट नाम की चीज़ लगी, तो मुझे लगा था ये क्यों बनाना है. लेकिन आप नाम से ही सोच सकते हैं, एंटी रैगिंग मतलब यहाँ पे रैगिंग जो है वो बैन है. तो रैगिंग बैन है, इसलिए वो आपसे क्या लेते हैं, इसका एफिडेविट लेते हैं कि आप अपने पेरेंट्स और अपने तरफ से ये लिख के दीजिए हमें कि अगर आप इस केस में पकड़े गए, मतलब आप अगर रैगिंग करते हुए पकड़े गए, तो आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाएगा. क्योंकि ये आप खुद भी लिख के दे रहे हैं और आपके जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो भी लिख के दे रहे हैं कि हाँ, अगर मेरा बच्चा ऐसे काम करते हुए पकड़ा गया तो उसका जो एडमिशन है वो आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है. तो इसलिए ये आपसे एंटी रैगिंग एफिडेविट ले लेते हैं कि आप बाद में ना कहें कि अरे सर, आपने ये सब तो बताया नहीं था कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. तो इसलिए आपसे एंटी रैगिंग एफिडेविट मोटा मोटा देखा जाए तो इसीलिए आपसे ये जो चीज़ है वो बनवाई जाती है, ठीक है. अब आ गया आपको कि हाँ चलो, हमें तो रैगिंग करनी नहीं है तो हम बनवा लेंगे, हमें तो बस एडमिशन से मतलब है ना. तो अब कैसे बनवाएंगे, बहुत लोगों को तो पता होगा कि ये सारे काम जो है आपके कचहरी में, ठीक है, जहाँ पे आपका ये सारे जो काम होते हैं वहीं पे हो जाएंगे आपके. तो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि ये जो कचहरी वगैरह होती है आपके घर के आसपास, अगर आप नहीं अभी तक आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं, मोस्टली 12th क्लास के बच्चे जो अभी पास आउट हो गया है, आपने नहीं सुना होगा ये सारी चीज़ें. जब मैं भी थी तो मुझे भी लग रहा था ये कहाँ से बनेगा. तो मेरा तो खैर था कि मैंने अपने पापा को बोल दिया था, आप भी अपने पापा को बोल सकते हैं कि वो किसी, मतलब उन लोगों को ज़्यादा पता रहता है इन सारे कामों के बारे में, क्योंकि जब आपका घर की रजिस्ट्री और ये सारी चीज़ें ऐसी जगह से ही बनती हैं, ऐसे ही काम वहीं से होते हैं. तो आप बोल सकते हैं अपने पापा लोगों से कि वो लोग ये सारा काम आपका करवा दें. लेकिन जिन बच्चे को लग रहा है कि नहीं, हमें ही ये सारे काम करने होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास पूछे कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनते हैं, ये कचहरी वाला काम जो वकील लोग काम करते हैं वो कहाँ होता है, वो आपको बता देंगे कि इस जगह ये चीज़ें हैं, आप करा सकते हैं. अभी लखनऊ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आलम बाग के आगे एक RTO ऑफिस करके कुछ है, ऐसे ही कुछ नाम है, वहाँ पे ये सारा चीज़ होती है. मतलब ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है जहाँ पे प्रिंट आउट और ये सारी चीज़ें निकलती हैं, वहाँ पे एक लॉयर भी बैठे होते हैं, तो वो बिल्कुल आपका एक पूरा फॉर्मेट लिखा देते हैं, फिर आपसे पूरा भरवा लेते हैं, फिर वो अपना साइन कर देते हैं, स्टैम्प लगा देते हैं, और फिर आपको वही चीज़ वहाँ लेके जाके शो कर देनी होती है. अच्छा, पहले तो BBAU में जो लॉ डिपार्टमेंट है वो भी ये सारे काम करता था, ठीक है. आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं, अगर लॉ डिपार्टमेंट बना रहा है BBAU का, तो वहाँ से भी आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो एफिडेविट है वो बनवा सकते हैं. तो ये है कि आपको कहाँ से भी ये बनवाना है. नेक्स्ट थिंग आती है कि कैसे बनाएं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या पता चलेगा. तो गाइज, अगर आप अपने जो आपका काउंसिलिंग लिस्ट आती है, आपने देखा होगा तो उसमें जो आपकी सारी डिटेल दी हुई है पहले पेज में, तो आपको पूरा मेंशन है कि कहाँ वेन्यू है, क्या डॉक्यूमेंट्स है वगैरह. फिर जब नीचे तब आएंगे सबसे, तो वहाँ पे दो चीज़ आती हैं, एंटी रैगिंग जो एफिडेविट है वो बाय गार्जियन, मतलब जो पेरेंट्स की तरफ से, और जो स्टूडेंट की तरफ से, दोनों ही लगेंगे. अगर आप ये सोचें कि मैं पढ़ रहा हूँ तो पेरेंट्स का क्या काम, नहीं, आपका और पेरेंट्स दोनों का ही काम है यहाँ पे, ठीक है. आप कुछ कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी वो भी ले रहे हैं. तो आप दोनों के नाम पे ये बनेगा, एक आपके पापा के नाम पे, या पापा के नाम पे, बेसिकली अपने पापा के नाम पे, और एक आपके नाम पे ये जो एफिडेविट है वो बनेगा. तो इसको प्रॉपरली बनवा लीजिए, उसी फॉर्मेट में बनवाइएगा जो BBAU ने अपने तरफ से दिया है. फॉर्मेट वही एक्सेप्टेड है, इसीलिए उन्होंने पूरा फॉर्मेट आपको दे रखा है. तो वही फॉर्मेट लेके जब आप जाएंगे ना वहाँ पे,
जो आपके वकील होंगे जो बना रहे होंगे वो आपसे कहेंगे कि हमें ये फॉर्मेट मतलब वो डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद फिर वो वही चीज़ आपका निकाल देंगे नोटरी में। नोटरी भी आई गेस मेंशन होगी या उनको पता होता है 10 रुपए की नोटरी या ऐसी कोई नोटरी लगेगी, फिर वो उस पर वो निकाल देंगे, आपको उसको फिल करने को बोलेंगे, आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, वो साइन करके स्टैम्प कर देंगे, अब बन गया आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट। गाइज इसके लिए आपको थोड़ा टाइम दे दिया जाता है, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए हम इसको दे देंगे, तो वो आपको टाइम दे देते हैं। आएंगे आप सब BBAU ही अपना काउंसलिंग कराने ऑफलाइन, तो आप पता करिएगा यहीं पे आपको पता कर लीजिएगा कि ये सारे जो नोटरी वाले काम है वो कहाँ होते हैं, बेसिकली में ही है आलमबाग में। जब आप सीधे उधर जाएंगे पिगैडली के आगे मतलब फिनिक्स मॉल के आगे, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ, यही सारा काम होता है। तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, या जिसको नाम पता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी, आपको वहीं जाना है, ये काम वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि कैसे बनेगा, क्यों बनवाना है, कहाँ से बनवाएं, फॉर्मेट क्या है। सो गाइज मैंने पूरी कोशिश किया कि आपके सारे डाउट जो इससे रिलेटेड हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। और गाइज आपको ये ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं देते हैं तो मतलब ये एक इनका एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कंपल्सरी है, तो ये आपको बनवाना ही पड़ेगा, ये आपसे बनवा ही लेंगे। तो आपको ये है कि आप बना के इनको दे दें, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, कोई भी डाउट है स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।